हेलो गाइस, आपका स्वागत है कुकिंग इंडिया में। आज हम बनाएंगे घर में ही बटर। चलिए, इसके लिए हमने मलाई ले ली है। इसको चला लेंगे अच्छे से और इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे गैस पे रख के। ये देखिए, इसमें जो गांठे हैं उन्हें फोड़ लेना है चला के। हम इसे रई से चला रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच से भी चला सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें जो गांठे हैं इन्हें फोड़ लेंगे। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गुनगुना करना है। इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दही से इसे जमाएंगे। जैसे कि हम दही जमाते हैं दूध से, वैसे ही हमें मलाई को जमाना है। इसमें हम 2 टीस्पून दही ले लेंगे, 2 से 2.5-3 टीस्पून, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम जमाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, दही हमारी कितनी अच्छी जमी है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही जमी है हमारी। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के चलाएंगे। इसका हम बटर निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। और इसके लिए आप, गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप ठंडा पानी ही यूज करें, गर्म पानी यूज ना करें। अगर आपने फ्रिज में रखी हुई है दही तो आप इसे इसमें ठंडा पानी यूज ना करें। अगर फ्रिज में नहीं रखी है, बाहर रूम टेम्परेचर पर रख रखी है, तो आप इसमें ठंडा पानी यूज करें। और इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा मक्खन निकला है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी हम इसे थोड़ा और चलाएंगे ताकि अच्छे से निकल जाए हमारा बटर। ये देखिए कितना अच्छे से बटर निकला है हमारा। हमें सारा बटर ऐसे ही निकालना है। ये देखिए, हमने सारे बटर को निकाल लिया है और हमने इसे ठंडे पानी में डाला है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये देखिए बटर हमारा कितना अच्छे से निकल गया है। इसका हमने पानी को अलग कर दिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर बनाने के लिए आप कलर भी यूज कर सकते हैं, येलो कलर का। और इससे आप घर में से हल्दी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बटर का कलर थोड़ा येलो कलर का होता है, तो इसमें येलो कलर ज़रूर यूज करें। और थोड़ा नमक, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चला लेंगे। और हमें एक बॉल ले लेनी है, आप जिसमें जमाना चाहें उसमें जमा सकते हैं। इस पर हम एक पेपर लगा देंगे, आप टिशू पेपर भी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये बॉल में चिपके ना नीचे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे हम बटर को इसमें डाल लेंगे। सारे बटर को अच्छे से पूछ के इसमें हम निकाल लेंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे हम बटर को बॉयल में, ताकि अच्छे से सॉफ्ट गोल गोल जमे। ये देखिए सारा बटर हमारा निकल चुका है। अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाए। ये देखिए बटर हमारा अच्छे से जम चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से जमा है ये। बिल्कुल मार्केट जैसा बटर बना है हमारा। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार अपने घर में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे इसका। हमने ये घर में ही मार्केट जैसा बटर बना, आप ज़रूर अपने घर में इसे एक बार ट्राई करें। और हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।